हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द का दाल का लड्डू। के लिए लिया है हमने 1 किलो उड़द का दाल, जिसे इस तरह से कढ़ाई में बिना तेल का ऐसे भूज लेंगे। दाल को तब तक भूजेंगे जब तक इसमें क्रंचपन नहीं आ जाता है। दाल हुआ क्या नहीं चेक करने के लिए आसान तरीका है, 3-4 दाल मुँह में लेके चबा के देख लो। अगर क्रंचपन आया है दाल में तो गैस बंद करके दाल को एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद हल्का ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद इस तरह से साफ कर लीजिएगा, जो उसका काला छिलका रहता है वो निकल जाएगा। लड्डू दिखने में थोड़ा खूबसूरत भी दिखेगा। अगर आपको साफ नहीं करना है, डायरेक्ट पीस लेना है, तो आप व्हाइट उड़द का दाल यूज कर सकते हो, जो बिना छिलका का रहता है। आप चाहो तो थोड़ा चावल भी ऐड कर सकते हो। तो गाइस, इसे साफ करने के बाद फिर से एकदम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। आपके पास अगर मिक्सर हो तो मिक्सर में कर सकते हो, नहीं तो आप चक्की में भी दे सकते हो। चक्की वाला भी पीस के दे सकता है आपको एकदम बारीक। तो गाइस, हमने लड्डू के लिए लिया है 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम छुआरा, 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम किशमिश, 1/2 किलो गुड़ और गाइस 1/2 किलो देसी घी। अभी इसे बारीक बारीक काट लेंगे। और दोस्तों, आपका पास जो भी घी रहेगा, देसी घी, गाय का घी, भैंस का घी, कोई भी घी रहेगा वो यूज कर सकते हो। ड्राई फ्रूट आपको जितना चाहिए उतना यूज कर सकते हो। तो गाइस, हमने जो ड्राई फ्रूट लिया था लड्डू के लिए, उसे इस तरह से बारीक काट लीजिएगा। गुड़ को भी इस तरह से काट लीजिएगा, बाद में घुलने में अच्छा रहेगा। तो गाइस, कढ़ाई गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम देसी घी डालेंगे थोड़ा, ड्राई फ्रूट को भूजने के लिए। तो गाइस, इस तरह से धीमे आंच में भूजने का, नहीं तो जल्दी काला हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। जो हमने बादाम लिया था उसे भी भूज लेंगे हल्का हल्का। गाइस, लास्ट में छुआरा को घी में सिर्फ डाल के निकाल लेंगे, ज़्यादा देर तक भूजने का नहीं। छुआरा घी में ज़्यादा भूजा जाएगा तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, बस डाल के निकाल लेने का तुरंत। गाइस, जो बचा हुआ घी है उसे गर्म करके एक वाटी में निकाल लेंगे, लड्डू बनाने के टाइम पे काम आएगा वो। हमने जो दाल हल्का पीसा था उसे एकदम बिल्कुल बारीक किया है पीस के, अब उसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे। गुड़ काट लिया था बारीक, उसे अभी ऐड कर लेंगे उसी में, मिक्स कर लेंगे इसे। जो हमने घी पिघला लिया था उसे अब इस तरह से डाल के उसको डाल के मिलाएंगे, मिला के जो लड्डू बनाएंगे इसमें। तो गाइस, इस तरह से देखिए राउंड करके अच्छा से दबा लीजिएगा, अच्छा से दबा लीजिएगा, अच्छा से बने लड्डू का शेप, दिखने में भी अच्छा लगे। फ्रेंड्स, हमारा उड़द का दाल का लड्डू बन के रेडी हो चुका है। टेस्टी टेस्टी, घर में अच्छा है, सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदा है। आप भी बनाइए घर में। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।